अस्सलाम वालेकुम, आप हैं बागबानी चैनल पे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये मेरा एक प्लांट है। आपको पूरी तरह से ये अच्छे से दिख रहा होगा। ये मैंने इसको एक बीच में से एक स्टिक वाटर के लिए इसके स्टिक भी लगाया हुआ है, ये देखिए। और इस प्लांट में आपको जो नहीं दिख रहा है मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, एक छोटी सी चिड़िया ने उसका घोंसला इस प्लांट में लगा लिया है। मुझे भी आज पानी देते हुए मैं ये देख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ। ये देखिए, ये एक नीचे का पत्ता और एक ऊपर का पत्ता लेके उसने इस तरह से एक छोटी सी चिड़िया छोटा सा घोंसला बना रही है, बना लिया है उसने। इसमें ये वो रह रही है, लेकिन मैं तो आज ही इसको देखा है। देखिए मैं आपको इसको करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये ख़राब ना हो जाए ये मुझे केयर लेना है। देखिए एक ऊपर की पत्ती और एक छोटी सी नीचे की पत्ती लेके वो इस तरह से अपना घोंसला बना लिया है। ये देखिए छोटा सा घोंसला। बस दोस्तों इसी तरह से हम अपने घर में गार्डन लगा लेते हैं, तो इस तरह से चिड़ियाँ, बटरफ्लाइज, हनी बीज ये सब आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक और भी घोंसला है, मैं बताती हूँ, दूसरी चिड़िया ने भी एक घोंसला बनाया है, मैं आपको बताती हूँ। धीरे से हम चलते हैं उसके पास, शायद वो उसी में हो। ये देखिए दोस्तों, बहुत धूप है इसलिए मैंने इस तरह से एक मेरी पुरानी साड़ी भी मैंने बांध के रखा हुआ है। इसके नीचे मेरे सारे प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत धूप पड़ रही है। ये देखिए हम आ चुके हैं, अभी एक मेरा बड़ा सा एक मेरा बड़ा सा क्रोटन का प्लांट है, और उसे क्रोटन के प्लांट में ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये देखिए यहाँ पे एक घोंसला, ये भी मेरे एक चिड़िया ने यहाँ पे घोंसला बनाया हुआ है। वो अभी अभी यहाँ से उड़ चुकी है, मेरे आने का देख के वो उड़ गई, शायद डर गई वो। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे एक घोंसला। इसी तरह मेरे गार्डन में बहुत सारे चिड़िया अपना घोंसला खुद से बना लेती हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि चिड़िया आए बैठें, उनके लिए वो आर्टिफिशियल घोंसला भी बना के रखते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में तो वो अपने आप घोंसले बनाते रहते हैं और इस तरह से वो रह लेते हैं, उसमें उनके एग्स भी रख लेते हैं वो। इसी तरह से दोस्तों हम अपने नेचर से हम जुड़े रहें, तो जो नेचुरली चीज़ें होती रहती हैं वो हम अपने आसपास में पाएंगे वो सब चीज़ें, जैसे कि ये घोंसला, चिड़िया ने घोंसला बना लिया और वो वहीं पे इसी प्लांट्स से सर्वाइव कर रही है वो। इस तरह से बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इस तरह नेचर से, नेचर के करीब जुड़े रहना मुझे तो बहुत पसंद है। प्लांट्स भी और ये चिड़ियाँ भी और ये इनके घोंसले भी, मैं हमेशा मेरे गार्डन में आती हूँ, उनको देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए दोस्तों हम नेचर से जुड़े रहेंगे तो हमारा सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये सब करना। हम अपने घर में आसानी से ये सब कर सकते हैं, बस
थोड़ी सी हमें सब्र होनी चाहिए और थोड़ी सी पसंद भी होनी चाहिए। जो प्लांट्स लगाने में मुश्किलें आती हैं थोड़ी थोड़ी, इन सबको हम कर लेंगे तो हम बहुत आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं और हम नेचर से जुड़े रह सकते हैं। बस आप भी इसी तरह से प्लांट्स लगाते रहिए और नेचर से आप भी जुड़े रहिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।